चलो फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। अब हम चलते हैं आज की पढ़ाई पे। कोई भी बच्चा ऐसा है अगर जिसको नहीं दिख रहा है ना, तो वो मीटिंग फिर से ज्वाइन कर ले। मेरी तरफ से शायद ऑल ओके है। आज का डेट कितना है? 28। कल मैं वो मैसेज पे रिएक्शन देख रही थी बच्चों। जैसे क्लास कैंसल हुआ था ना, तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को मतलब थोड़ा सा शॉक भी लगा है, कुछ बच्चों को बुरा भी लगा है कि लास्ट मोमेंट पे हुआ एंड वो लोग वेट कर रहे थे। सो वेवी कर्व मेथड हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, और कुछ आसान आसान क्वेश्चन किए थे कंसेप्ट को समझने के लिए। अब मुझे लगता है कि सारे बच्चे कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो आज हम वेवी कर्व को किसमें यूज करेंगे? रेशनल इनइक्वालिटीज। रेशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है? जैसे रेशनल बोलो या रैशनल बोलो, जो भी आप बोलते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो रहता है उसी को तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं। देन हाउ टू सॉल्व रैशनल इनइक्वालिटीज यूजिंग वेवी कर्व मेथड। वेवी कुछ नहीं है, वेवी कर्व एक लाइन खींच दो, उसमें वेव बना दो। वेव नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। वेव उतना मैटर नहीं करता कि आप वेव को कितने सुंदर से बना रहे हो। क्या मैटर करता है बच्चों वेवी कर्व में? क्या मैटर करता है? ओके, साइन तो मैटर करते हैं। दूसरी चीज, दो पॉइंट्स मैटर करते हैं ना। साइन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर करता है, प्लस है माइनस है। दूसरी चीज क्या मैटर करती है? मैम डॉट हाँ, डॉट। यस, डॉट मैटर करता है कि वो बंद है या फिर खुला है ना? आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन देखकर वहां पे पता कर सकते हो उसको। चलिए, आप ही के बैच के एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि आज उनका कोई मेडिकल इश्यूज है, सो वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। इट्स ओके, उनको डाउट होगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगी ना। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हुआ नहीं सॉल्व, बच्चों ने बोला। देखते हैं इसको जरा। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एंड एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 50। तो जनरली बच्चों, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में कहूँ ना, तो ये हमारे वेवी कर्व मेथड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन डजंट सपोर्ट वेवी कर्व मेथड। क्यों नहीं सपोर्ट करता है? कोई भी बच्चा बोल सकता है क्यों सपोर्ट नहीं करता है? मैंने क्यों बोला ऐसे, बताइए। जिन्होंने भी हाथ उठाया है बता सकते हैं। मैम क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं है। एब्सोल्युटली, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। सो राइट हैंड साइड जीरो करने के लिए हमें इसको कुछ तो करना पड़ेगा। बिना राइट हैंड साइड जीरो किए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 50 को हम इधर लाएंगे, ऑफ कोर्स लाएंगे, बट उससे पहले ये जो भारी भारी मात्रा में ब्रैकेट्स है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक इजिएस्ट तरीका बताती हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है ना, दोनों में कॉमन है, राइट? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है। इसको आप एक वैल्यू एज्यूम कर लो, ठीक है, या तो फिर इसको कोई अल्फाबेट का नाम दे दो। तो हम इसको क्या करते हैं, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू, मैंने टी ले लिया, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो फेवरेट अल्फाबेट है कुछ भी ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स टी अगर मैं रखती हूँ तो मेरे लिए ये सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। टी प्लस थ्री एंड देन टी माइनस टू, विच इज लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 50। अब मैं क्या करूंगी, टी माइनस थ्री, टी प्लस थ्री, टी माइनस टू, देन मैं क्या करूंगी, इसका ब्रैकेट ओपन करूंगी। सो ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस टी
माइनस माइनस सिक्स एनीथिंग एल्स जिसने भी माइनस ऑफ कीजिए, मुझे डबल डबल अपनी आवाजें सुनाई दे रही है, ठीक है। आपको जब कुछ बोलना हो बेटा आप आराम से माइक ऑन करना, बट मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ऑफ रखिए प्लीज। ये हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी 50 को इस तरफ हम लेके आ सकते हैं। सो 50 को यहाँ लाएंगे तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी, 50 इधर आएगा तो क्या साइन हो जाएगा बच्चों इसका, 50 का माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस 50 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 50 विच इज लेस देन इक्वल टू 0 अगेन, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा इधर खिचड़ी नहीं पकाते हैं, साफ सुथरा करते हैं आज। सो उसके बाद में क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, ये तो मेरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया ना, 56 भी है तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ। तो क्या होगा आपका, 7 8 56 हो जाएगा, तो 7 और 8 को ले लेते हैं, देन मैं लिख सकती हूँ टी प्लस 8 टी माइनस 7। किसी को कोई डाउट है ना तो पूछ सकता है मुझसे माइक अनम्यूट करके स्क्रीन, यस लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरा 0 आ गया यहाँ पे, अब इसको फर्दर अगर मुझे सॉल्व करना है t प्लस 8 टी माइनस 7 तो मैं कैसे करूंगी इसको, मैं अभी क्या करूंगी t की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगी जो कि था मेरा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। मैम t प्लस 8 और t माइनस 7 कहाँ से आया बेटा, वही तो फैक्टराइज किया ना हमने, आपने 10th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा था राइट। 7 8 56 होता है, कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 56 आता हो और जिसको आप आपस में अभी माइनस, 56 का साइन क्या है माइनस है, तो 8 माइनस 7 कितना होगा बच्चों, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो 7 और 8 मेरा ऐसा नंबर है जिसको लेकर के मैं यहाँ पे फैक्टराइज करूंगी। आप प्लीज एक बार फैक्टराइजेशन का मेथड देखिएगा, फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं पूरा फैक्टराइजेशन आपको करा दूंगी, नो इश्यू, ठीक है। आप मुझे बताइएगा जरूर, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। और भी किसी को फैक्टराइजेशन में डाउट है क्या? कोई बात नहीं, जिनको डाउट है, जिनको डाउट है प्लीज आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करना, एक बार आप खुद से फैक्टराइज करके देखो, बहुत आसान है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रही हूँ यहाँ पे। तो x square minus 6 plus 8 हो जाएगा, and then next आपका क्या हो जाएगा, x square minus 6x minus 7। प्लीज माइक को अभी म्यूट ही रखिए, ठीक है, लेस देन 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, यहाँ पे अगेन इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे राइट, ये वाले ब्रैकेट्स को अंदर में जो भी है। तो अगर मैं इसको करती हूँ x square minus 6x plus 8 x square minus 6x plus 7, इसका कोई बता सकता है मुझे कितना आएगा x square minus 6x plus 8 का? सो इसका कितना आएगा बच्चों, x माइनस 2 एक्स प्लस, यस x माइनस 4, वेरी गुड, x माइनस 7 आएगा इसका, तो सामने सामने ही मुझे दिख रहा है, एंड x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे मिल गए ना सारे, चारों मिल गए महाशय जिनका इंतजार हम कर रहे थे, अभी आराम से हमारा क्या बन जाएगा, वेवी कर्व, यस। तो वेव बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स हमको दिखाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार पॉइंट्स मुझे बनाना है। सो मैं क्या बनाऊंगी, 7 बनाऊंगी, 4 बनाऊंगी, और क्या बनाऊंगी यहाँ पे, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 है तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस वाला को बीच में नहीं रखना है मुझे, मैं बीच में इसको बार बार लिख देती हूँ, माइनस 1 इधर एंड ये 2 हो जाएगा राइट, माइनस 2 प्लस 2, भले ही यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आएंगे बट माइनस वाला तो इस तरफ रहेगा, प्लस वाले सारे इस तरफ रहेंगे सारे, ठीक है, माइनस 1 2 4 7। अब क्या करेंगे बेटा, वेवी कर्व मेथड आप सब पढ़ चुके हो, अब क्या करोगे मुझे आप लोग बताओ, नेक्स्ट स्टेप हमारा साइन चेक करना है राइट, ये साइन, यस मैम, हाँ तो साइन चेक करोगे तो 7 वाला ब्रैकेट देखो, 7 इस वाले ब्रैकेट से आया है ना, x माइनस 7 से आया है, हाँ तो वहां पे नंबर रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, आएगा कि नहीं, यस मैम, यस मैम,
सेवन से अब, और एट माइनस सेवन वन हो गया, ठीक है आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आएगा आपको उसी तरह से, फोर कौन से ब्रैकेट से आया है, नेगेटिव नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। मैंने बहुत ही आसानी से इसको कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया है ना सारे वैल्यूज डाल के। अब आप भी एक बार वैल्यूज डाल के चेक कर लो, ये गलत नहीं होगा। ट्रेंड तो आपको पिछले बार ही समझ में आ गया था, ट्रेंड क्या है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा ट्रेंड था जो एक क्वेश्चन में ब्रेक हुआ था, जहां पे प्लस के बाद माइनस के बाद एक और माइनस आ गया था, वहां पे थोड़ा ट्रेंड ब्रेक हो गया था, राइट। फिर भी हमने उसको ट्राई किया था ट्रेंड में लाने के लिए दूसरे वे से, पिछले पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो। बट अभी तो यहाँ पे ये ट्रेंड सेम ही रहेगा, आप वैल्यूज डाल के देख लो। एंड जैसे कि हमारा खूबसूरत सा वेवी कर्व अगर आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो, मैं बना देती हूँ इसको यहां से लाके ऐसे करके, देन ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बना दो, ठीक है ये आपका वेवी हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, अभी सारे के सारे गोले आपके फिल होंगे, राइट। फाइन, ये क्वेश्चन अभी समझ में आया। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस लेवल का है, मगर है कितना आसान देखो, है ना। तो जेई सिर्फ नाम सुनने से, साइन के बारे में बता दोगे? हाँ जी, मैम साइन के बारे में बता दोगे कैसे हैंडल है? ऑल राइट, ठीक है चलिए मैं आपको साइन के बारे में बताती हूँ। क्या होता है ना बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेवन, अभी ये सेवन कहाँ से यहाँ पे आया, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है, तो सेवन आया मेरे एक्स माइनस सेवन वाले ब्रैकेट से, ठीक है। यहाँ पे सेवन मेरा माइनस था तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस लिखा, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो अगर आप करोगे तो एक्स इक्वल्स टू सेवन आ जाएगा आपका, एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू सेवन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, सेकेंड स्टेप, सेवन से बड़े जो है इस तरफ में क्या होते हैं, उसके ग्रेटर वाले होते हैं। सेवन से बड़ा मेरा एट ले लो आप, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एट ले लो। अब अगर मैं ये वाला जो मेरा इक्वेशन है ना, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, तो एट माइनस सेवन कितना होता है मेरा, वन हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। वन का साइन है पॉजिटिव, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव था। तो जब मैंने एक्स पे एट रखा, सेवन से बड़ा नंबर रखा, तो उसका साइन आया पॉजिटिव, उसको जब मैंने सॉल्व किया तो, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया। पिछली क्लास में हमने यही तो पढ़ा था कि हर एक ब्रैकेट वाली इक्वेशन जिस ब्रैकेट्स में है, जहां पे एक्स की वैल्यू आपको रखनी है, एक्स पे सेवन से ग्रेटर अभी रख के देखा अभी, फिर फोर किस ब्रैकेट से आया, एक्स माइनस फोर से आया, फिर वहां पे आप कोई वैल्यू रख के देखो, ठीक है। सेवन और फोर के बीच में कोई वैल्यू रखोगे अगर आप, तो फाइव रखोगे, राइट। यस मैम, फाइव माइनस फोर भी वन ही होता है आपका, है ना, फाइव माइनस फोर कितना होगा, वन होगा, तो वो भी अगेन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, मैंने यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा क्या वो सही था? नो मैम, नो मैम, ओके फाइन, वो सही नहीं था, ठीक है वो सही नहीं था, ठीक है। सेवन और एट आपने रख के देख लिया, टू और फोर के बीच में अभी आप वैल्यूज रख के देखिए, एक्स माइनस टू को हम लेंगे, ठीक है। टू और फोर के बीच में कौन सी वैल्यू आप रखोगे, थ्री, थ्री माइनस टू कितना होगा आपका, वन हो जाएगा, वन, ठीक है। बेसिकली ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना होगा, वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, वन होगा या जीरो होगा, मगर वो होगा क्या, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े नंबर का साइन है पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देन पॉजिटिव लिया। अब ये माइनस वन वाले को भी चेक कर लो आप जरा, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन यहाँ पे माइनस वन हो गया है, एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, क्या रखोगे बताओ, माइनस टू, जीरो, माइनस टू रखोगे। सो ठीक है, आपने बोला एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू आपका जीरो हो गया, सो माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा आपका, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। Yes, लेकिन माइनस टू तो बेटा आपका यहाँ पे छोटा नंबर होता जा रहा है ना, माइनस क्या होता जा रहा है, अब आपका छोटा होता जा रहा है, माइनस इनटू प्लस आपका माइनस हो गया है, राइट।
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या साइन वाले में कि साइन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा? यस मैम। जिसने बोला नो वो मुझे बताए, अब जिसने बोला नो वो बताए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट की बात सुन के दूसरा स्टूडेंट क्लियर हो जाता है। आप क्यों कंफ्यूज नहीं हो रहे बेटा अभी मुझे बताओ, क्या ये जो मैंने लिखा है वो सही है? प्लीज बताएं आप लोग, आप लोगों ने पिछली क्लास पढ़ाई की है, फिर अभी मुझे ये लगेगा कि पिछला क्लास मुझे फिर से रिपीट करवाना पड़ेगा, मुझे ये लगेगा अभी। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, पिछला क्लास आपका यही कहीं पे होगा मेरा, ये था राइट आपका पिछला क्लास, ये हमने पढ़ा था। आप लोग भूल जा रहे हो क्या पढ़ करके? देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, सभी बच्चे एग्री करते हैं? ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो देखो मैंने रेड मार्क किया है ना, ये 6 नंबर रेड मार्क किया है, तो जब ये 5 किस ब्रैकेट से आया, x माइनस 5 से आया आपका। सो मैंने वहां पे क्या रखा, x माइनस 3 x माइनस 5, तो मैंने 6 को रख के देखा ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव साइन रखा था। अब सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों रखा था मैंने, कोई तो रीजन होगा जिससे मैंने पॉजिटिव रखा था, क्यों रखा था बताओ? पॉजिटिव नंबर आ रहा था, पॉजिटिव आई थी, 6 माइनस 5 1 एंड 6 माइनस 3 3, ओके पॉजिटिव आया था आपका, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया था। अब 3 और 5 के बीच में जब मुझे चुनना था तो मैंने क्या लिया था, 4, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 4 माइनस 3 4 माइनस 5, 4 माइनस 3 1 होता है, 4 माइनस 5 क्या होता है आपका माइनस 1 होता है, सो प्लस इंटू माइनस मेरा माइनस होता है, सो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, करेक्ट? यस मैम। सो 0 माइनस 3 0 माइनस 5, मैंने एक बार 0 भी रखा था यहाँ पे, सो 0 माइनस 3 आपका अगेन माइनस 3, 0 माइनस 5 आपका क्या हो गया माइनस हो गया, सो अगेन माइनस एंड माइनस भी प्लस हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया था। एंड उसके बाद हमने लिखा था क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है, और माइनस इंफिनिटी टू 3 हमने लिया था क्योंकि माइनस मतलब इस तरफ में तो बहुत सारे माइनस है, वो तो इंफिनिटी तक चला गया, वहां से लेके 3 तक हमने ले लिया था, और यूनियन में हमने क्या लिया था 5 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि 5 के बाद भी नंबर पॉजिटिव इंफिनिटी में है, कितने नंबर से हमको पता भी नहीं, इनफाइनाइट, तो हमने लिया था। ये एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है? ओके ओके, सारे बच्चे क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम जाएंगे अपने आज वाले क्लास में, ठीक है? चलो, अगर मेरी तरफ से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी उसी तरह से हमने किया था, x पे हमने 10 रखा था, देन और क्या रखा था, 1 रखा था और माइनस 1 रखा था, सो माइनस 2 वाले में जब आप माइनस 1 रखते हो, माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, देन अगेन माइनस 1, सो ये हो जाता है माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाता है माइनस 1 प्लस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो एक प्लस और दो माइनस है तो क्या होगा, एक्स को अगर आप हटा दोगे, एक्स को जीरो ले लो, क्यों बोलो, अभी बोलो क्यों जीरो ले लो, क्योंकि एक्स के समान कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है मैम, सो x इज इक्वल्स टू जीरो है, सो ये वाला क्रॉस गलत, इसको सिर्फ लेना है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है? यस मैम, यस मैम, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत धीरे धीरे पढ़ाया था, आराम से पढ़ाया था। चलो कोई नहीं, जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा उसी में लगे रहेंगे हम लोग, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेवी कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ाने को तैयार हूँ सब कुछ, कोई इशू नहीं है मुझे, वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना, इसको मुझे अभी अच्छे से पढ़ाना है, आपको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। अभी हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई गलती हुई भी होगी तो वो अभी ठीक हो जाएंगे। चलो
अभी चार वैल्यूज आप लोग बोलो, मैं लिखती हूँ। ये वन, ये तो माइनस वन हो जाएगा। यस मैम। ये माइनस वन, ये हमारा माइनस सेवन है तो प्लस सेवन हो जाएगा। ये माइनस फोर है तो प्लस फोर, और ये भी हमारा माइनस टू है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस टू, प्लस टू हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, सेवन लेना है, यहाँ पे फोर लेना है, यहाँ पे क्या लेना है टू लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है माइनस वन लेना है। ठीक है। यस मैम। सो अभी ओके, सो सेवन है, सो सेवन से ग्रेटर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे एट ले लेते हैं, तो एट माइनस सेवन यानी कि प्लस इंटू प्लस, मतलब बड़े वाले का साइन आपका प्लस है, सो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। हमने एट लिया तो पॉजिटिव आया, नो कंफ्यूजन एट ऑल। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अभी फोर आ जाएगा, तो फोर वाले में आपको एक वैल्यू रख करके देखो, लेकिन कौन सी वैल्यू आप रख करके देखोगे फोर वाले में? सिक्स। सिक्स किसी ने बोला है? ठीक है, सिक्स रख के देखते हैं। सो सिक्स माइनस फोर अगेन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, और टू यानी कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आपने फोर और सेवन के बीच में अगर सिक्स रखा है तो सिक्स माइनस फोर टू, इसको अगेन मैं पॉजिटिव रखूंगी। ठीक है, टू अभी कहां से आया था हमारा, एक्स माइनस टू आ गया। सो यहाँ पे कोई एक वैल्यू बताओ मुझे बिटवीन टू एंड फोर जो मैं रख सकूं। थ्री। ठीक है, थ्री माइनस टू वन होगा, जो भी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। यस, हम लोग अभी एकदम अच्छे से जा रहे हैं ना, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ ही नहीं रहा है हमारा। ठीक है, देखते हैं अब और कौन सा बचा हमारे पास। माइनस वन, माइनस वन कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। सो माइनस वन से पहले का, माइनस वन और टू के बीच का कोई नंबर हम ओके, सो वन अगर हम रखते हैं तो वन एंड प्लस वन टू, यानी कि अगेन आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, नेगेटिव आया? नो मैम। अगेन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, और कुछ बचा है बच्चों रखने के लिए? नहीं, अब आगे नहीं बढ़ना है मतलब ना। ठीक है, इस वाले को ऐसे ही रहने दो, इस लाइन को ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही खूबसूरत हमारा लाइन है मैम। जब वो हर एक्स में नहीं डलेगा? हाँ जी मैम, आपने पिछले तो क्वेश्चंस में आपने जो वैल्यू ली थी जैसे एक्स सिक्स, वो हर एक्स की जगह डाली थी, तो इसमें नहीं डलेगा? आप कह रहे हो कि मैंने हर x में डाला था और इसमें मैं हर x में नहीं डाल रही हूँ, ये कह रहे हो? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बच्चे ने एकदम करेक्ट पॉइंट पकड़ा है। चलो वो भी करके देखते हैं, हम लोग आज सब कुछ करके देखेंगे। अभी हम खुद देखेंगे कि कौन सा सही है, मुझे भी नहीं पता। अब चलो करके सब देखते हैं। हमने एट लिया था ना बच्चों यहाँ पे मैम, जब आपने सिक्स लिया उस टाइम पे नेगेटिव साइन नहीं आना था? भूल जाओ, सब भूल जाओ, आप सब भूल जाओ, सिर्फ अभी जो कर रहे हैं उसको याद रखो। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना चारों? यस मैम। बस इसको देखते जाओ आप, अभी इसको यही देखो कि हमने यहाँ पे वैल्यूज एक एक करके रखे तो पॉजिटिव आया। दूसरा, अभी एक बच्चे ने मुझसे बोला कि मैम अभी जो आपने सपोज एट वैल्यू लिया है तो आपने सिर्फ एक ही पे लिया, यानी कि एक्स माइनस सेवन पे लिया, सारे एक्स में क्यों नहीं लिया, चार है तो चारों में क्यों नहीं लिया? तो वो भी करके देखते हैं ना, जो उन्होंने बोला वो भी करके देखते हैं, क्योंकि उनका ये डाउट है कि पिछले में मैंने लिया था, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टिंग है, बट चलो करते हैं हम लोग। एट माइनस टू एंड देन एट माइनस फोर एंड देन एट माइनस सेवन एंड देन ये क्या हो जाएगा, एट प्लस वन। ठीक है, तो इसका जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, एट माइनस सेवन जो भी होगा आपका वन होगा तो वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, तो सारे प्लस वाले हो गए। यस मैम। ये आपने प्लस डाल दिया, ये आपने प्लस डाल दिया, सारे प्लस वाले हो गए तो प्लस डाल दिया। ठीक है चलो, अभी ये हमने जब सिक्स रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो सिक्स को अगर आप यहाँ पे रखोगे
यानी कि आपका हो गया 6 - 2, 6 - 4, 6 - 7 और क्या हो गया 6 + 1 क्या होता है 7 होता है, जो भी होता है चलो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 6 - 1 - 1 नेगेटिव आ गया, 6 - 4 - 2, 6 - 2 - 3 तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? यस मैम, यस मैम। तो जब आपने 6 को सब में रखा तो क्या आया आपका नेगेटिव, नेगेटिव आया, ठीक है अभी ठीक है, ये 2 हो गया। अब अपने को इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा और हम चलते हैं अभी ना तीसरे वाले पे ना, हाँ चलो अभी तीसरा वाला क्या लिया हमने 3 लिया है, तो 3 - 2, 3 - 4, 3 - 7 और 3 + 1 4 ये पॉजिटिव, 3 - 7 - 4 ये नेगेटिव हो गया हमारा, 3 - 4 - 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस वाला वैल्यू आपको मिल गया है एंड माइनस वाला वैल्यू मिल गया है, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो अगेन आपका प्लस ही आएगा ना बच्चों, हाँ ये दोनों मिलके, तो अभी ये वाला प्लस भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों को टिक मार्क किया मैंने। नेक्स्ट वाला क्या आया आपका 1 आया, राइट, 1 को भी रख के देख लेते हैं हम लोग, सो 1 - 2 और 1 - 4, 1 - 7 और 1 + 1, ठीक है, ये 1 आपका पॉजिटिव, ये आपका जो भी आएगा 7 - 1 कितना होता है 6, वो नेगेटिव में आएगा, ये भी आपका क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, 4 - 1 - 3, 2 - 1 - 1, तो 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव, यस, इसका मतलब ये सही नहीं था, यहाँ पे अपने को क्या करना था नेगेटिव करना था, अब ये सही है, ठीक है, यस डन। अब माइनस वन से बात का भी एक नंबर, जैसे कि -2 ही ले लेते हैं भाई, -2 अगर आप ले रहे हो तो आपका होता है -2 - 2, -2 - 4 एंड एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर लिखते हैं हम लोग, और क्या होता है आपका -2 - 7, -2 + 1, ठीक है, -2 - - क्या हो जाएगा -2 + वो प्लस ही हो जाएगा, फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा -6 + ये क्या हो जाएगा +9 हाँ जो भी आएगा ये माइनस में रहेगा, राइट, 3 + 1 - ++ नेगेटिव, मैम नेगेटिव, नेगेटिव, आर यू श्योर नेगेटिव, यस मैम, -4 - 6 - 9 होंगे, पॉजिटिव नहीं होगा, कौन सा बोल रहे हो मैम, जो आपने +4 + 6 लिखे हो -4 - 6 - 9 होंगे मैम, क्योंकि एडिंग में माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो बेटा अगर आप उस तरीके से देखोगे कि एडिंग में माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो क्या हमने अभी तक जो किया था वो सही था, आप ध्यान से देख रहे हो ना, हम जो भी कर रहे हैं वो सारे करेक्ट थे, राइट, प्लस माइनस वाले, तो यहाँ पे आपको साइन ऐड करना है, आप लिखते माइनस हो लेकिन हम बोलते तो प्लस है ना, कंसेप्ट को ध्यान रखो, माइनस इनटू माइनस जो आपने बोला प्लस होता है लेकिन हम लोग लिखते माइनस है, वो आपका जब आप सॉल्व करते हो तो सही होता है, इनटू नहीं प्लस, माइनस माइनस प्लस करते जब एडिशन हो, ओके बेटा जो आप बोल रहे हो अभी, आप ही लोग माइनस प्लस में मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, एनीवेज ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस का अगर मैं लिखती हूँ तो गलत कोई कह रहा है इसको, मुझे ये जानना है, नो मैम, सारे लोग इसको सही कह रहे हैं, यस मैम, यस मैम, ओके। अब मुझे बच्चे ये बताएं कि क्या आप लोगों का वेवी कर्व मेथड का साइन कैसे डालना है, वो क्लियर हुआ कंसेप्ट दिमाग में सबका, क्लियर, यस मैम, सबका क्लियर, यस मैम, यस,
यस अभी आप अभी आपके क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। जिस बच्चे ने बोला था कि मैम आपने पहले यहाँ पे क्या लिखा था और अब क्या लिखा है, तो क्या मैंने पहले गलत लिखा था, प्लस 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 चारों लिख दिए थे राइट, है ना, प्लस प्लस वो इसलिए किया, वो इसलिए किया बच्चों के, मैं कितना भी मुंह से बोल लूं मुझे पता है वो चीज नहीं सही होने वाला, जब तक कि मैं यहाँ पे आपको गलत ना करके दिखाऊं और सही ना करके दिखाऊं तभी आपको क्लियर होगा कि वो पहले वाला गलत था ये सही है। और मैं अभी पिछली क्लास की स्लाइड्स में भी गई थी, मैंने वहां पे भी आप सबको दिखाया कि देखो हमने कैसे क्वेश्चन किया था, सबने बोला यस मैम समझ में आया, लेकिन किसी ने भी अभी इस क्वेश्चन में आके ये नहीं बोला था एक्सेप्ट वन गर्ल कि मैम आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो सिर्फ एक ही ब्रैकेट में क्यों कर रहे हो, सब में करना है, जबकि मैंने जैसे ही पिछला डॉक्यूमेंट ओपन किया आपको दोनों में करके दिखाया था ना, दिखाया था कि नहीं दिखाया था, तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना चाहिए राइट, थोड़ा सा देखो टीचर क्या करता है ना, अभी टीचर के पढ़ाने का तरीका पहले जमाने से थोड़ा चेंज हो चुका है, मैं आपको बता रही हूँ टीचर अभी रिवर्स करता है, टीचर गलत और सही दोनों आपके सामने रखेगा और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सही वाला चुनना है, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने गलत वाला चुन लिया कि मैम यही तो सही है आपने लिखा है तो गलत हो ही नहीं सकता, मतलब आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। बट आई होप फाइनली हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं राइट। यस मैम। यस मैम। ओके चलो ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब साइंस का किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सो और अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहती थी जो कि बहुत ही आसान है, सो मैंने सोचा आपको करा देती हूँ मैं। x x -5 is greater than and equal to 6, यहाँ पे भी 6 अभी इस तरफ आ चुका है तो हमें 6 को इस तरफ में लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, x x -5 है, ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है आप बोल सकते हो मुझे एटलीस्ट जो भी आता है, x square minus 5x square ही लिखा है मैंने, हाँ x square minus 5x minus 6 minus 6 is greater than and equal to 0, ठीक है। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे x square minus 5x minus 6 को तो हमें क्या मिलेगा, 6 minus 1 5 होता है और 6 1 जा 6 होता है, so x minus 6 and x, x plus minus 1 3, x minus 2 6 और 1 को भी ले सकते हो आप, 3 और 2 को भी ले सकते हो, 3 और 2 लेना भी गलत नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगी वो गलत है, 6 और 1 भी गलत नहीं है राइट, दोनों ले सकते हैं हम लोग। यस मैम। यस मैम। हाँ अभी 6 और 1 लाइक थोड़ा क्लोजेस्ट था इसलिए मैंने ले लिया, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अगर मैं इसका वेवी कर्व का पॉइंट्स देना चाहूं तो मैं कैसे दूंगी, कितने पॉइंट्स लिखूंगी बच्चों में यहाँ पे, डन, 6 और माइनस 1 दो ही पॉइंट्स में, यस मैम। यस मैम। अभी मुझे यस अभी मुझे 6 के इस तरफ का नंबर लेना है, मान लो थोड़ा मैं रेड कलर यूज कर लूं, मान लो मैंने क्या ले लिया आपको 7 ले लिया, ठीक है, अभी 7 माइनस 6 7 प्लस 1 1 पॉजिटिव पॉजिटिव ओके, अभी 6 और माइनस 1 के बीच का अगर मैं कुछ लेना चाहूँ तो 4 नेगेटिव 4 मैम नेगेटिव साइन आएगा, ओके डन, नेगेटिव आएगा, सबने क्लियरली बोल दिया। अभी अगर माइनस 1 की इस तरफ का मान लो माइनस 2 मैं ले लूं तो माइनस 2 लूंगी तो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव, अभी भी नेगेटिव, नेगेटिव बोला, जिन्होंने नेगेटिव बोला प्लीज एक बात का ध्यान रखें आप कि नेगेटिव और नेगेटिव आप ये बोल रहे हो ना माइनस 2 माइनस 6 यही कह रहे हो कि माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 होता है और माइनस 2 प्लस 1 पॉजिटिव हम लोग सही कर रहे हैं राइट,
यस मैम माइनस टू कितना होता है वन होता है मगर माइनस आएगा साइन क्योंकि बड़ा है सो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा ना अल्टीमेटली यस मैम अब आप लोग मुझे क्या कह रहे हो कि मैम माइनस इनटू माइनस भले ही प्लस होता है मगर हम लिखते तो माइनस है मुझसे बच्चे यही पूछ रहे हैं जिनको डाउट है बट बेटा यहाँ पे आपको साइन पुट करना है तो माइनस इनटू माइनस प्लस होगा आप यहाँ पे प्लस का ही साइन लोगे अगर हमें माइनस लिखना होगा तो भी तो हम उसको प्लस में ही काउंट करते हैं करते तो प्लस ही है ना माइनस तो करते नहीं है माइनस माइनस एट इन माइनस एट माइनस नाइन क्या होगा बच्चों ऐड करते हो राइट आप इसको yes, और ये जो इनटू है ये इनटू नहीं होता है वहां पे एडिशन होता है तब जाके आपका साइन आता है आप माइनस का लिखते हो बट यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन है समझे अभी बात को कि अभी भी कोई नहीं समझा मुझसे फिर से बोल फिर से बोल हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए मैम फोर कैसे आया फोर कैसे आया आप पूछ रहे हो फोर कैसे आया यस और नो प्लीज यस मैम तो जब आपने क्वेश्चन पूछा तो अगर मैं रिपीट करूं तो फिर से बोलिए यस मैम मैंने ये क्वेश्चन पूछा वरना मुझे लगा कि मुझे धोखा हो गया मैं गलत सुन रही हूँ देखिए फोर कैसे आया मतलब माइनस वन और सिक्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है फोर भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है राइट तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन नंबर्स में से किसको चूज कर रहे हो आपको इनमें से कोई भी एक नंबर को उठाना है उठा करके इक्वेशन में रखना है रख करके उसका साइन देखना है नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है ठीक है अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव का साइन यहाँ पे करना है सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का साइन रखना है हम वेवी कर्व में अभी तक यही पढ़ते आए हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जैसे कि आप हमेशा यस बोलते हो तो मुझे यही समझ में आता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है आप आंसर भी करते हो मुझे आपके ही आंसर करने पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है फिर भी उसमें से कुछ बच्चे यानी कि एक दो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं तो भी मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर नहीं है बट आई विश कि इस बार तो सबका क्लियर है राइट आप ही लोगों ने मुझे आंसर दिया था यस मैम ओके ओके ठीक है एक बात का और क्या ध्यान रखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो मतलब प्रोडक्ट है मैं इनटू इनटू बोल रही हूँ मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है ना तो माइनस इनटू माइनस प्लस होता है और जो माइनस इनटू माइनस प्लस होता है प्रोडक्ट में और माइनस माइनस जो आप एडिशन करते हो उसमें जाके माइनस लिखते हो समझे बात को अभी हाँ फाइनली रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए मुझे आप लोगों को देखना है सबसे पहले अच्छा हाँ सारे लोग थम्स अप कर दो प्लीज अभी मैं टेंशन मुक्त हो जाऊंगी सबको समझ में आ गया yes, चलिए ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू एवरीवन कोई बात नहीं कोई इश्यू नहीं है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया तो कंसेप्ट क्लियर होना इज इम्पोर्टेंट इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चन करते हो 50 क्वेश्चन कर लिए और एक ही क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं उससे तो अच्छा दो ही करो मगर समझ के करो ये यहाँ पे जो वेव है इसको आप ऐसे बना भी सकते हो चाहो तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा मैंने बोला है बना दोगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि नाम है वेवी कर्व मेथड तो वेव रोएगा कि मेरा नाम है और वही यूज नहीं किया जा रहा है अच्छा अब आते हैं बात किस पे गोले को भरना है कि नहीं भरना है सर्कल को नो मैम नहीं मैम सर्कल फिर भरते हैं इतनी मुश्किल से प्लस माइनस वाला अभी हमारा सही हुआ कंसेप्ट गलती से हो गया गोले भरने हैं ओके गोले को भरना है गोल गोल गुलाब जामुन होते हैं ना सबको पसंद होते हैं ठीक है देखो अब गोले को भरने का भी भाई मैं आपको बता दूं कंसेप्ट इधर ही क्लियर कर लो ये जैसे इक्वल टू का साइन है ना तो हम गोले को भरेंगे यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा आपका अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो गोले को नहीं भरना हॉलो सर्कल आता ये गोल वाला आता ठीक है कब जब आपका इक्वल टू का साइन
नहीं रहता तब, ठीक है बच्चों? यहाँ पे आप होपफुली क्लियर है, चलो ठीक है। अभी मैं शांति से आगे बढ़ सकती हूँ कि मेरे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है। ये ना पिछले क्लास का क्वेश्चन था जो हमने किया था, ठीक है, मुझे याद है, और मैंने इसको यहाँ पे स्निप करके डाला, इसलिए डाला कि मुझे आपको कुछ बताना था यहाँ पर, तो मैं बताती हूँ आपको। लेकिन बताने से पहले भी मैं सोच रही हूँ कि बताऊं या नहीं बताऊं, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे फिर, बट बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आगे काम आएगा, मैं स्किप नहीं कर सकती उस लाइन को। चलिए सो देखिएगा एक बार, कॉपी पेस्ट करेंगे अभी हम पीछे से, -215 लिखेंगे। उससे भी पहले मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, x + 2x - 1² x - 5। सो x + 2x - 1² x - 5 लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइव यहां से आया आपके, वन यहां से आया, और ये आपका यहां से आया। अब एक चीज क्या ध्यान दिया था हमने इस क्वेश्चन में, लास्ट वाले में, कि ये एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो वैसे भी जो भी होगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट? स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा इसका पावर। इनका क्या है, हाँ इनका क्या है, जो आप डिग्री बोल सकते हो, ये वन है, पावर कुछ नहीं है तो वन है, इनका टू है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, जो है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। हाँ कुछ कह रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप खुद से करके देखना, आंसर आपको यही मिलेगा। जब हमने ये लिया था बच्चों, तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्या बता देती हूँ, एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या याद रखोगे आप, कि जब भी आपका ये पावर वन है, पावर वन क्या होगा आपका, ये ऑड नंबर हो जाएगा, राइट? यस मैम, यस मैम, इट्स ओके, लीव इट, ठीक है। मैं अभी आपको ये ट्रिक नहीं बताऊंगी, आप नहीं समझोगे अभी। हम जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना बच्चों, तब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि तब क्या होगा कि मैथमेटिकली प्रूफ होगा हमारे पास, एंड तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना, तो आपको मतलब समझ भी आएगा बहुत ज्यादा अच्छे से। तो जस्ट लीव इट, ट्रिक का मुझे याद रहेगा। अभी तक तो हम पॉलिनोमियल से डील कर रहे थे, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज से डील कर रहे थे, बट अब हमारे पास क्या आ चुका है, जो है रैशनल इनइक्वालिटीज आ चुके हैं, इनसे हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पे तो आपके पास ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, यानी कि ये है आपका p अपॉन q के फॉर्म में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं आपको सबसे इजी ट्रिक क्या बताऊंगी, x - 1 x + 5 upon x and then x + 2, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, मतलब जिन पॉइंट्स पे जीरो होता है, पॉइंट्स बताइए क्या क्या लिखूंगी मैं, 1 - 5 - 2, 1 - 5 - 2, 1 - 5 - 2, और ये x को नहीं लिया आपने, x जीरो नहीं हो जाएगा आपका, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। माइनस में थोड़ा रिवाज उल्टा चलता है प्लस के मुकाबले, ठीक है, ओके।
उसके बाद यहाँ पे अक्सर जो डिनोमिनेटर में आपका दिया होगा ना, जैसे कि आपका जीरो दिया होगा एंड टू दिया होगा, तो जीरो और टू को आप काउंट में नहीं लोगे, फाइन, काउंट में आप उसको नहीं लोगे। मैं यहाँ पे ऐसे हॉलो वाला गोल बना देती हूँ, यानी कि मैं गोले को भरूंगी नहीं, हालांकि इक्वल टू का साइन है बट इसको काउंट में लेते नहीं है वैसे। तो बच्चा क्या हमारे पास वन और माइनस फाइव बच्चा, लेकिन लेकिन हमें साइन तो सबका ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इजिएस्ट तरीका क्या बताती हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। x माइनस वन का पावर क्या है, पूरे ब्रैकेट का पावर है वन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस का साइन, ओके, प्लस का साइन मैं यहाँ पे लिखूंगी, एंड देन फिर आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। सो जीरो का पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर जीरो का क्या पावर है, यहाँ पे एक्स का कुछ भी नहीं है तो एक्स का भी तो वन ही होगा ना। यस मैम। या तो आप एक काम करो, आपको पावर वाला आई गेस की कंफ्यूजन हो रहा है, पावर वाला जल्दी बताते नहीं है टीचर्स, पता है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अभी सिखा दूं। यहाँ पे आप फिर से रख करके देखो, वन के बाद की वैल्यूज रखोगे तो क्या होगा, वन माइनस वन, वन वन के अगर वैल्यू आप रखोगे क्या होगा, माइनस का साइन आएगा कि प्लस आएगा, आप मुझे खुद से कैलकुलेट करके बताओ। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में सिखाया था, ये बस डिनोमिनेटर वाला देख रहे हो ना आप, करके मुझे बताओ कि क्या आएगा, पूरे में रख के दिखाओ क्या आएगा। पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव आएगा। जिन्होंने पॉजिटिव बोला क्या वो मुझे बता सकते हैं, यस पॉजिटिव, सबने पॉजिटिव बोला, आपने सारे x की वैल्यू रख के देखी है, यस मैम, ओके ओके फाइन। अभी जीरो और वन अगर आपको रखना है तो जीरो और वन के बीच में आप कोई भी एक चुन लो, कोई भी नंबर चुन लो, जीरो और वन के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, 0.5, 0.6 कुछ तो आएगा ना। यस मैम। 1/2 कुछ भी, आप कुछ भी लेके रख लो एंड देन उसका साइन मुझे बताओ क्या आता है, फिर मैं वही साइन, आप ही लोग करो तभी आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। नेगेटिव आता है कि नहीं बता दो मुझे मैम। नेगेटिव, यस नेगेटिव, ओके। अब जीरो और माइनस टू के बीच में रखोगे तो क्या आएगा वो बता दो मुझे, माइनस वन ही रख के देख लो या जीरो और माइनस टू के बीच में कुछ भी रख के देख लो ना। प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव, यस, प्लस माइनस प्लस। अब बताओ मुझे माइनस टू और माइनस फाइव के बीच में रख के बताओ आप लोग, पॉजिटिव, ओके, मतलब माइनस टू और माइनस फाइव के बीच में रखोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा कुछ भी। क्या नंबर रखा आपने, माइनस थ्री, ओके फाइन, माइनस थ्री रखोगे, सो क्वेश्चंस को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया, माइनस थ्री माइनस वन, देन माइनस थ्री प्लस फाइव, ठीक है, और फिर आपने माइनस थ्री रखा, मैम नेगेटिव, ओके, खुद ही आ गए आप लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके फाइन, नेगेटिव बोल रहे हो राइट, सभी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मैं नेगेटिव लिख देती हूँ। अब माइनस फाइव, अब माइनस फाइव के पीछे का कोई नंबर रख के मुझे बताओ कितना हो सकता है, बस नंबर रखते जाओ और प्लस माइनस साइन को काउंट करते जाओ। मैम पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव, 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 यस। सो फाइनली द ट्रेंड इज मेंटेन्ड, ट्रेंड हमने मेंटेन किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का, राइट, right? यस, ओके फाइन, चलिए आपने एकदम सही आंसर किया है। लेकिन हमें करना क्या होता है यहाँ पर, मोस्टली जब आप वेवी कर्व जब बनाते हो ना
तो वेवी कर्व तो आप वेव तो आराम से बनाओ जैसे आप अभी तक बनाते आए हो। मैंने क्यों बोला कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है, आप कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते। वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉन डिफाइंड। यस, नॉन डिफाइंड होता है या फिर अनडिफाइंड होता है, जो भी होता है। तो डिनोमिनेटर को हम लोग जल्दी जीरो करते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर का जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिया होगा ना, उनको आप हमेशा ऐसे करके बना देना, लाइक हॉलो सर्कल कर देना। तो उससे क्या समझ में आएगा कि बाकी सारे को आपको क्लोज्ड सर्कल करना है, क्योंकि आपने उसको इंक्लूड नहीं किया है इसलिए आपने उसको क्लोज नहीं किया और ओपन ही रखा। आप समझे मेरी बात? यस मैम। हाँ, इसको देखो मैं ओपन रखूंगी। अब आप बोलोगे मैम ओपन क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने डिनोमिनेटर वाला इंक्लूड नहीं किया है इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है। तो जनरली मेरे जो भी यहाँ पे कर्व्स होंगे मैं यहाँ का लूंगी, इस तरफ वाले लूंगी, वन से बड़ा वाला प्लस, और ये माइनस फाइव से इस तरफ वाला जितना भी होगा वो आएगा। ओके, यही तो नंबर लाइन में करते हो ना आप। अगर मैं आपको बोलूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे? x आपका 2 से बड़ा है, 0 2, तो आप इस तरफ में प्रेजेंट करोगे राइट x को। क्यों? क्योंकि वो आपका 2 से बड़ा है, इस तरफ प्रेजेंट करोगे। तो मैंने वही किया ना यहाँ पे, ये सारे देखो आपको, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का था। तो 0 से 1 अगर बड़ा है तो 1 से भी बड़ा उस तरफ का हो जाएगा, और माइनस 5 अगर 0 से बड़ा है तो माइनस 5 से भी इस तरफ के सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि उसके यहाँ के इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक के आ जाएंगे। वो तो पता ही नहीं हमें कितने सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो। डू यू एग्री विथ मी? सारे बच्चे एग्री करते हैं या फिर अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूजन में बैठे हैं? डन। चलिए अब आप सारे एग्री कर रहे हो, मतलब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, सो आई विश कि अभी सबका कंसेप्ट क्लियर है, एंड हम चार क्वेश्चन, चार आंसर में से एक चुन सकते हैं। सो चार ऑप्शंस में से कौन सा? सेकंड। ओके, सो माइनस इंफिनिटी माइनस 5 एंड माइनस 20 एंड यूनाइट, ये वाला, यही आपका सही होगा। वन और इन्फिनिटी का, वन से लेके इन्फिनिटी तक, फाइव से लेके माइनस इन्फिनिटी, और टू और जीरो को मैंने हॉलो ब्रैकेट से बना दिया, यानी कि ओपन ब्रैकेट हो गया। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी भी बच्चे को ये लग रहा है कि मैम ने कंफ्यूज किया, सिंसियरली बताओ, अगर लग रहा है तो मुझे अभी भी बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। नो मैम। अगर मैंने गलत भी किया ना आपके सामने, गलत भी करके आपको दिखाया, तो वो इसीलिए ताकि समझो कि अब जो किया था वो गलत है और सही ये है, यही तरीका था मेरा करने का। चलो, आज बहुत सारे क्वेश्चन सोच कर हम आए थे, देखो आंसर बी ही है आपका। अब मैं बच्चों आपको बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगी, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करती जाऊंगी, आपको चेक करते जाना है कि सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट सही ही होगा क्योंकि अभी इतना एक्सप्लेन किया है, अब आपको उसको फिर से बार बार करना है। डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। x अपॉन x प्लस 4, इसको देख के किसी को डर लग रहा है क्या इस इक्वेशन को देख करके? नो मैम। नो मैम। नो मैम, क्या बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ डरने थोड़ी ना आए हैं, सब आता है हमें। ठीक है, देखिए, चलिए, इनइक्वालिटी के यहाँ पे अक्सर नंबर्स होते थे तो हम लोग उसको यहाँ पे ले आते थे, उसके इस तरफ वहां जीरो कर देते थे। अब क्या करोगे? अब जब यहाँ पे आपको p अपॉन q का फॉर्म मिला है तो क्या करोगे? कोई भी अपना सजेशन देगा मुझे, क्या करेंगे बच्चों? कुछ भी बोलो ना, आपको जो लगता है। क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, ये सब जेई लेवल के क्वेश्चन है ना, सो आप अगर अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचोगे तो मुझे आंसर करोगे तो मैं सही चीज बताऊंगी आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही मुझे उम्मीद थी आप लोगों से। अक्सर हमारा जो कंसेप्ट है वो ऐसा ही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाएगा। मैम माइनस कर देंगे? नो,
इसलिए नहीं किया जाएगा, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ रीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि आप x प्लस 4 को इधर लेकर जाओगे बोल रहे हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्या मतलब होता है कि आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करते हो ना, दोनों तरफ करते हो, आप दोनों तरफ करते हो, राइट? यस मैम, यस मैम। आपको x प्लस 4 का साइन पता है क्या, क्या है ये जो x प्लस 4 ब्रैकेट में है, इसका साइन माइनस है कि प्लस है, आपको पता है क्या है? किसी को भी साइन पता है तो मुझे बता सकता है? वन बाय एक्स प्लस वन से माइनस कर देंगे तो भी हो सकता है। यस आई विल कम टू योर पॉइंट। x प्लस 4 का साइन कैसे पता है बच्चों? x की जगह पे तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ। मान लो मैंने कोई बड़ी वैल्यू रख दी जिसकी साइन माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस नहीं हो जाएगा। x में लिखा थोड़ी ना है कि मैं क्या वैल्यू वहां पे डालूंगी, मेरी मर्जी, मैंने ले ली। मान लो मैंने माइनस 6 ले ली प्लस 4, तो माइनस 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? ओके, हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो 1 भी ले सकती हूँ, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो उस केस में प्लस आ जाएगा, पहले वाले केस में माइनस और इस केस में प्लस। तो ये तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लू, x में थोड़ी लिख रखा है कि क्या लेना है। तो वहां पे रिस्क होता है, अगर माइनस में आ गया तो आपको इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना होगा फिर। तो चेंज नहीं करने में भलाई होती है, ना करोगे तो बेटर है। इसीलिए क्या करो कि जैसे एक बच्ची ने अभी जवाब दिया था, वेरी गुड, माइनस में लेके आओ, पूरे टर्म को यहाँ पे लाके माइनस में कर दो, जैसे नंबर्स को लाते थे। तो x अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन भी आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं अभी तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो ये आएगा मेरा x प्लस 4 और x माइनस x प्लस 1, ऊपर में क्या आएगा जल्दी जल्दी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम लेते हैं ना, बताओ मैं लिख रही हूँ। x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1, हम लोग यही लिखेंगे, एलसीएम ऐसे ही किया जाता है ना बच्चों? नेक्स्ट पेज में तो आंसर है, ठीक है छोड़ो, क्या ही कर लेगा, आंसर है तो छोड़ो, हम लोग लिखते हैं चलो। तो अगर मैं एलसीएम को एक्सपैंड करूंगी, कंटिन्यू कर रही हूँ लास्ट से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, एंड और क्या था, माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 हो जाएगा अपॉन आपका हो जाएगा एक्स प्लस 4 एंड देन x प्लस 1, ओके, विच इज इक्वल विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, x माइनस 2, x प्लस 2 हो जाएगा, राइट? यस मैम। अपॉन कैंसिल करके आप देख लेना, मैं मतलब मैंने फटाफट से किया है, x प्लस 4, x प्लस 1, उतने बेसिक स्टेप्स तो आपको आनी चाहिए ना बच्चों। मैम ऊपर 2 प्लस 2 आएगा, ठीक है ठीक है, 2 प्लस 2 नहीं x प्लस 2 आएगा, मैं तो डर ही गई, क्या लिख दिया मैंने ऐसा, ठीक है x प्लस 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब तो कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स ला सकते हो ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे, बताओ आप ही बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। मैम 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 और क्या है आपका, माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। सो नीचे वाले आपको नहीं लेने हैं, तो नीचे वाले यानी कि 4 और 1 आप नहीं लोगे, राइट? यस मैम, यस मैम। तो अभी 4 और 1 को नहीं लेना, मतलब उसको मैं पहले ही यहाँ पे हॉलो सिलेंडर कर हॉलो सर्कल कर देती हूँ। अब बताओ कि प्लस माइनस वाला क्या सीन आएगा, ये प्लस रहेगा मेरा, नो डाउट ये प्लस मैम, यस मैम, यस मैम,
यस मैम टू और माइनस वन के बीच में अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस आना चाहिए. यस मैम. माइनस टू और माइनस वन के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? मैम माइनस. मैम प्लस. ध्यान से बोलो. बोलो. देन माइनस फोर माइनस टू अगेन नेगेटिव. मैम माइनस. नेगेटिव. आप लोग तो सीख गए और एंड में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा. आप लोगों ने ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो किया है. ठीक है, ट्रेंड है ही ये हमारा. इसको मैंने ट्रेंड का नाम क्यों दिया है? अब देखो, अब आपको क्या करना है, कैसे इसका वेव कैसे बनाओगे. मैंने फोर को मार्क किया जो है, ठीक है, ओपन. आंसर में भी देख सकते हो फोर आपका ओपन है, लेकिन टू को मैंने मार्क नहीं किया था ओपन, यानी कि टू वैसे भी क्लोज्ड है, माइनस टू आई मीन. एंड यहां से आपका ये वाला टू को क्या करोगे, ओपन करोगे कि क्लोज करोगे, बताओ. मैम क्लोज. क्योंकि ये ऊपर से माइनस हो जाएगा इसलिए क्लोज कर रहे हो, ये वाला मतलब माइनस वाला प्लस हो जाएगा इसलिए क्लोज कर रहे हो, क्योंकि ये ऊपर में है, राइट? यस मैम. यस मैम. ओके फाइन, ठीक है. देन अभी यहां से अगर हमें वेव बनाना होगा तो इस तरह से ला करके आप बना लोगे ना, ऐसे करके ऊपर से नीचे से ला करके. ऐसे वेव बना लोगे तो. यस मैम. यस मैम. वेव बनाना, वेव बनाना इज वेरी इजी. वेव बनाने में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है. प्लस माइनस सारे बच्चों ने मुझे बता दिया है, सो आई एम फाइन. तो बच्चों, क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन को ही समझाने में, बट इट्स ओके. मुझे अच्छा लगा कि फाइनली कंसेप्ट क्लियर है. अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे. देख लीजिए, क्वेश्चन यही सारे रहेंगे आपके, बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे. अभी तो टाइम है नहीं, और ये सब मुझे आपको खुद ही बताना है, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क भी दे नहीं सकती हूँ अभी. आज के लिए आपको एक होमवर्क देती हूँ बच्चों. क्या होमवर्क है आपका, कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, अभी जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, आप सबको क्रॉस चेक करना, मतलब सबका साइन देखना सही से किया है कि नहीं किया है, बस साइन पे वर्क करो आप. हम नेक्स्ट क्लास यस मैम वेवी कर्व को ही रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. जितने बच्चे के क्वेश्चन है मुझे आपको करवाने हैं, जेई लेवल के सारे हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी साइन, फटाफट से मुझे रिप्लाई देना प्लीज, ठीक है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सो बच्चों, आज जो पढ़ा आपने वो अभी फाइनली क्लियर हुआ ना आपको सारा कंसेप्ट? यस यस. ओके थैंक यू. ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. गुड नाइट निशा. ठीक है. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू मैम. गुड नाइट. ठीक है. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय बाय. बाय मैम. बाय.